नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार भाजपा की एक महिला विधायक रंगदारी मांगती हैं। इसके पहले एक भाजपा विधायक पर अपहरण करने का आरोप लग चुका है, तो भाजपा के विधायकों के लिए इन दिनों अच्छी खबरें नहीं आ रही है, बल्कि बिहार भाजपा के विधायक इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता को लेकर के आरोपी बनाए जा रहे हैं। ताजा मामला एक बार फिर से ऐसा ही सामने आया है, जिसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी के बिहार की एक महिला विधायक पर रंगदारी मांगने का आरोप कॉलेज के कर्मियों ने लगाया है। दरअसल यह सब मामला पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से भाजपा विधायक रश्मि वर्मा से जुड़ा है। उनके खिलाफ टीपी वर्मा कॉलेज के शिक्षकों ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। शिक्षक और कर्मियों ने विधायक के विरोध में हंगामे नारेबाजी की है और शिकारपुर थाने में विधायक रश्मि वर्मा के खिलाफ आवेदन भी दिया गया है। उधर विधायक ने कॉलेज प्रशासन पर छात्र छात्राओं से रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि जब बीएड का इंटरनल एग्जाम हो रहा था, तब प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में विधायक रश्मि वर्मा परीक्षा कक्ष में पहुंच गई और उन्होंने कॉलेज कर्मियों को नौकरी खाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, शिक्षकों के मुताबिक भाजपा विधायक रश्मि वर्मा बीते 1.5 साल से लगातार रंगदारी मांग रही हैं। इससे कॉलेज के सभी कर्मचारी खौफ का माहौल है और उनका आरोप है कि वह जनप्रतिनिधियों के रूप में यहाँ पे अपनी रंगदारी कर रही हैं। उधर महिला विधायक रश्मि वर्मा का कहना है कि उनके ऊपर जो लगे हुए तमाम आरोप हैं वे बेबुनियाद हैं। रश्मि वर्मा ने कहा है कि उन्हें कॉलेज में बच्चों से उगाही गई की करने की सूचना मिली थी, तो इसी को लेकर के वह वहां पहुंची थी। बीएड की प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर स्टूडेंट से 2000 रुपये वसूले जा रहे थे और बच्चों ने भी उनके सामने इसकी पुष्टि की थी। विधायक रश्मि वर्मा ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने कुलपति और राज्यपाल से फोन पर की है। कॉलेज में किसी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने यह भी कहा है कि जाँच किए जाने के चलते सभी शिक्षक और कर्मचारी उल्टे उन पर ही अब आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जहां एक और विधायक रश्मि वर्मा पर इस तरीके के आरोप लगे हैं, तो वह विवादों में आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो जब भाजपा विधायक हाल के दिनों में ऐसे विवादों में घिरे हों। पिछले दिनों ही मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से विधायक डॉक्टर राजू सिंह पर भी एक राजद नेता के अपहरण करने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ अभी भी लगातार पुलिस की छापेमारी और अन्य प्रकार की जांच की प्रक्रिया जारी है। राजू सिंह अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और वह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर एक और भाजपा विधायक विवादों में घिरी है और इनके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत हो गई है कि विधायक रश्मि वर्मा इस बार रंगदारी मांगने के आरोपी हो गई हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि राजू सिंह, जो कि अपहरण के एक मामले में अभी तक भागे भागे फिर रहे हैं, उनका तो पुलिस अभी तक कुछ पता लगाने में कुछ भी उसके हाथ नहीं लगे हैं, तो अब जो रश्मि वर्मा का नया मामला आया है जिसमें इन पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है, इस मामले में अब पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। और इन सबके बीच स्वाभाविक है कि बिहार में इस मामले को लेकर के एक बार फिर से राजनीति देखने को मिल सकती है। राजू सिंह के मामले में ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उनके खिलाफ जानबूझ के ऐसे आरोप लगाए गए हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब रश्मि वर्मा का जो नया मामला आया है, रंगदारी मांगने का आया है, तो उसमें अब भाजपा की क्या प्रतिक्रिया होती है और इन सबके बीच जो सत्तारूढ़ महागठबंधन है वह अब इसे लेकर के क्या बोलता है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो आरोप रश्मि वर्मा पर लगे हैं, उसमें अब जांच में रश्मि वर्मा के खिलाफ क्या सबूत आते हैं, यह बेहद अहम होगा।